सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सब्बसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचदे। कर्ता कर्म अधिकार के आधार से अपन यह क्लास के रूप में विषय चला रहे हैं कि आत्मा परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है, ये विषय चल रहा है। और ये 98 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ और उसके उपोद्घात के रूप में दो कलश थे 60 नंबर और 61 नंबर का, वो भी चला यहाँ पर। तो अभी तक दो कलश हुए 60 61, गाथा हुई 98 99 100 101 और 102 पर कल अपन ने उसका वांचन किया था और उसका थोड़ा सा बद्दोहन करते हैं। तो क्या विषय उसका है वो अपन को समझना है। आचार्य भगवंतों के गाथाओं में जो निबद्ध अभिप्राय हैं और उस अभिप्राय को उन्होंने वाचक रूप शब्दों के अंदर पिरो दिया है, तो अब अगर उसे अभिप्राय को भाव को समझने के लिए आचार्य देव की भाषा को शब्दों को गहराई से समझना पड़ेगा, तब हमारी समझ में आ जाएगा। एक बार वह बात अपने हित के लिए अपने हेतु से अगर उसे समझा और एक दो बार अपने चित्त में दोहन किया तो कहीं ना कहीं वो जो मिथ्यात्व का जो गहन रस है और जो कसाई की तीव्रता है उसमें सहज मंदता आती ही है, क्योंकि ज्ञान जब समझने का काम करता है भेद ज्ञान के हेतु से तो ये कसाएँ मंद पड़े बिना रहती नहीं हैं। ये सहज ऐसा भी एक अंदर में निमित नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया ना? अब देखो यहाँ 102 नंबर की गाथा का एक दोहन करते हैं कि वह अज्ञानी आत्मा है लेकिन परद्रव्य माने पुद्गल द्रव्य के परिणाम का तो करता नहीं है। अब हमें आचार्य महाराज टीका में ये बताएंगे कि फिर अगर वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम को अज्ञानी नहीं कर रहा तो फिर वो क्या कर रहा है वो बताना है। कि जब वो ये कर रहा है, पॉइंट समझ में आ गया? वो सीधा सा एक वाली बात है कि किसी के अंगेंस्ट में एक FIR लॉज हुई और वो कोर्ट में चला गया फौजदारी में कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ऐसा एक FIR लॉज हुई और कोर्ट में गया और उसको तलब किया गया और उसने ये जा कर के कहा कि माई लॉर्ड कि जिस समय पर ये वाक्या हुआ उस समय पर मैं वहाँ उपस्थित था ही नहीं, तो उसने न्यायमूर्ति ने ये पूछा, क्या पूछा कि तुम कहाँ थे ये बताओ, फिर जब तुम वहाँ नहीं थे तब जब तुम पुद्गल द्रव्य के परिणाम में व्याप्त नहीं थे
ना व्याप्य व्यापक भाव से बराबर है और ना निमित्त नैमित्तिक भाव से। ठीक पॉइंट समझ में आया? तो अब जे बताओ तुम क्या कर रहे थे, टेल मी, जब तुम वहां नहीं थे तो। आप पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? अब आपको इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा। मी लॉर्ड ने क्या पूछा, तुम कहां थे फिर? तुम कहते हो कि मैं नहीं था, ठीक है। अब वो बताएगा कि मैं, माई ऑनर, मैं तो वहां था, मैं तो शहर में ही नहीं था। कि कहां थे? कि मैं बांसवाड़ा था। कि मर्डर कहां हुआ? कि आगरा में। अरे तुम बांसवाड़ा में थे और मर्डर कहां पे हुआ? ऐसे ही पुद्गल द्रव्य का परिणाम, वो परिणाम कहां हुआ? पुद्गल द्रव्य में। और तुम कहां थे? कि मैं महाराज अपने परिणाम में था। अच्छा, ऐसा? ये वाली बात 102 नंबर की गाथा में आएगी, टीका के अंदर। आया समझ में? आया? हेलो, क्या नाम है आपका भाई साहब? ये बहुत अच्छी है, एस, क्या नाम है बताइए? अरे क्या बात है, बहुत अच्छी है टी शर्ट। बताओ नाम, बताओ ना अपना, है चेतन, चैतन्य, अन्य अन्य चैतन्य गुण अन्वय के विशेष, बराबर, ठीक है। समझ में आया आपको? आ गया? आगे आ जाओ, आरक्षित हैं आपके लिए सीट। आ जाओ, सब उठाओ, आ जाओ जल्दी, अब टाइम बहुत कम रहता है, चलते चलते घड़ी गड़बड़ हो जाती है बहुत। अरे आ जाओ भैया, सबको कहना पड़ेगा भाई नेम क्या है। आज तुम येलो शर्ट पीछे क्यों बैठे हो? आगे बैठा करो आप, ये क्लास आप लोगों के लिए चलाइए, आपका हो तो कर दें, बंद कर देते हैं, कल से अपन को क्या फर्क पड़ता है, है? अब देखो मैं पढ़ता हूँ, टीका पढ़ूंगा। अच्छा टीका देखना, इधर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ूँ धीमे धीमे, वैसे ही मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ता हूँ, दो दो चार चार बार तो पढ़ देता हूँ। टीका अपना, देखो कहाँ से स्टार्ट किया, अपना अचलित, चलित नहीं होता, आ माने नहीं, चलित, चलित नहीं होता, स्थिर रहता है सदा काल, ध्रुव कायम रहता है, अचलित किसका? अपना। क्या चीज? विज्ञान घन रूप एक स्वाद। स्वाद को डिफाइन किया आचार्य महाराज ने, तो किस तरीके से किया? कितने स्वाद? एक स्वाद। और वो एक स्वाद कैसा? ओ विज्ञान घन, एक होता है स्क्वायर, उसे कहते हैं वर्ग, एक होता है क्यूब, उसको कहते हैं घन, बराबर आता है। मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? आपको बिटिया पढ़ी हो मैथमेटिक्स? आप कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ी हो तो यहाँ पढ़ो। क्या कहते हैं विज्ञान घन? घन उसको कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होवे, बराबर है, उसको क्या कहते हैं? घन। ऐसा भगवान आत्मा है। कैसा है? विज्ञान घन एक स्वाद, बराबर है। कैसा है वह स्वाद? अचलित। किसका है ये स्वाद? अपना। कौन बोल के सुनाएगा? हाँ आपका क्या नाम है? हाँ प्रज्वल, अभी कुछ बोला हमने, क्या बोला था? क्या बात, हाँ ठीक है, बराबर ख्याल में आ गया। किसका स्वाद है ये? अपना। ऐसा होने पर भी ये लिया, अब यहाँ से बात शुरू हो गई। ऐसा होने पर भी जो यह आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण, अज्ञान कब से है? अनादि से। और विज्ञान घन स्वभाव कब से है? अनादि से। ऐसा
आप लोगों की समझ में आता है, बेटी आपकी समझ में आता है, बहन जी हैं, कैसी बात चलती है, देखो गजब की बात है। मैं कब से अनादि से, कैसा है मेरा स्वाद, विज्ञान घन एक स्वाद, ये किसका है, मेरा है, बराबर। इतनी बात हो गई, देखो विडंबना तो देखो, यह आत्मा अनादि, यही वाला आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण, विज्ञान घन स्वभाव के कारण नहीं, अज्ञान के कारण पर के और अपने, क्या लिया, पर के और अपने, अपने माने मैं स्वयं और इसके अलावा जो पर, शुभ अशुभ भाव, तीव्र मंद भाव, राग द्वेष मोह भाव, पॉइंट समझ में आ गया। रात को भी इस पर चर्चा चली थी, हैं, वो रह गया रूक्ष स्थानीय, रूक्ष स्नग्धत्व स्थानीय, कैसा क्या गजब है, है कुंद कुंद का परमागम, संतों का परमागम, कोई गजब अलौकिक है, है मन रीझ जावे बार 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 बार, है मन इधर उधर जावे तो फिर यहीं लौट के आवे, पुनि जहाज पर आवे, ऐसा है। अनादिकालीन अज्ञान के कारण, देखो अज्ञान के कारण क्या लिया यहाँ पर के और अपने एकत्व के अध्यास है, पर भिन्न और स्वयं भिन्न, लेकिन इसको उसके एक पने का अध्यास है, टेब है उसको, तुम इसे कितना भी कहो, क्या चेतन जुदा और पुद्गल जुदा, ये कितनी बार बोलेगा, 1 करोड़ बार, और हर बार में इसे, इस चेतन का और पुद्गल का क्या टेप पड़ी हुई है, अब 6 डालाकार लिखेंगे, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप, ताको न जान विपरीत मान, और कर करे देह में निज बिझान। मैंने आपको जब रात्रि में चलते हैं तो उसमें भी जब बात आई थी तो आपको 31 नंबर की गाथा की 3री पंक्ति पर से दिखाया था, निकालिएगा आप लोग देखिए। अच्छा, स्वय पर का विभाग अस्त अस्त, हाँ क्या बोला चैतन्य, उधर somebody is there, हेलो somebody is there, कोई उधर है जो आपको बार बार आकर्षित कर रहा है, बेटर टू गो देयर, स्थिर तो हो जाएगा उपयोग कम से कम इधर। मिला, 3री पंक्ति पढ़ो तो सही, उतना ही पढ़ो बस उतना। इसमें अनादिकालीन शब्द आया है, वहां पर भी अनादि बंद पर्याय के बस क्या हो गया, स्वय पर का विभागस्थ हो गया, माने स्वय पर का विभाग तो है लेकिन तेरे ज्ञान में कैसा हो गया है, अस्त, माने तुझे दो भिन्न भिन्न जानने में नहीं आते हैं। यहाँ पर अज्ञान शब्द का प्रयोग किया, कब से है वह अज्ञान, अनादि से है, तो अनादिकालीन अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व, एक पने करके जान रहा है, एक पने करके जान रहा है,
विषय यद्यपि यहाँ नहीं है, विषय तो अज्ञानी क्या कर रहा है उस समय पर, विषय तो ये है, ख्याल में आता है। लेकिन प्रसंग बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्वय पर के विभाग जो इसके अस्त हो गया है, तो ऐसे स्वय पर के विभाग का उदय कब होगा? आ गया समझ में? अनादि से क्या है? अस्त है, तो उसका उदय कब होगा? ख्याल में आया? या कि यहाँ अनादिकालीन से अज्ञान के कारण पर और अपने को क्या कर रहा है? एक पना का। तो ये एक पना कब इसका जानना बंद हो जाएगा और दोनों को भिन्न भिन्न जानने लगेगा? ये आना चाहिए ना अंदर में से, ये बात निकलनी चाहिए। कब होगा ऐसा? कब होगा? कब होगा ऐसा? कब हो जाएगा? तो वहां लिया अनादि बंद पर्याय के बस। तो यहां क्या लेना है? अपना अपना अचलित, बोलो, अपना अचलित विज्ञान घन एक स्वाद, उसका अनुभव करने पर ये जो जानने में आया कि मैं तो यह विज्ञान घन स्वाद स्वरूप आत्मा हूं, तो वह सहज ही रागादि भाव, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीर आदि नो कर्म, ये सब भिन्न पने जानने में आ जाते हैं। बस इतना है। बोलो कितनी भक्ति पूजा करूं तो हो जाएगा? ये है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा क्या ज्ञान और ज्ञेय में विभाग है के करना है? बता, स्वय पर में विभाग है के करना है? जब है ही तो अस्त क्यों हो गया? ख्याल में आया ना? है ही तो अस्त क्यों हो गया? कि एक स्वय पर का विभाग तो है, लेकिन तेरे वर्तमान ज्ञान में ज्ञायक के ज्ञान के अभाव के कारण वो एक रूप जानने में आ रहे हैं। आया समझ में? जोर ही नहीं ज्यादा, चल रहा नहीं नहीं कोई भाई साहब हमारे आज नहीं है विराजमान, वो पूछते थे साहब कोई पुरुषार्थ की बात है कि नहीं है, क्या है? मैं क्या इस पर गहरे चिंतन की जरूरत है? आप चलते चलते जानना चाहते हैं तो वह बात नहीं समझाई जा सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन, इतना हो गया ना, बराबर है, दो पंक्ति हो गई। एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र, बराबर दो लिया, मंद और तीव्र, स्वाद युक्त, स्वाद से युक्त है, मंद तीव्र स्वाद से क्या है? युक्त है। कौन? पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाएं, पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाएं, कौन सी दो दशाएं? एक शुभ रूप और एक अशुभ रूप, ठीक है। अशुभ गई तीव्र के खाते में, शुभ गई मंद के खाते में। पॉइंट समझ में आया आपको? ये दो दशाएं हैं, दशाएं माने अवस्थाएं हैं, ठीक है। ये पुद्गल कर्म के विपाक की दो अवस्था, आत्मा की खरे खर अवस्थाएं नहीं है, जिसमें पुद्गल कर्म निमित्त है, पूर्व कर्म का उदय जिसमें निमित्त है, उसके दो दशाओं, वो दशाएं हैं दो, या अवस्था जीव की अज्ञान कारण है और पर का और अपना एकत्व करता है, तो वहां तीव्र और मंद स्वाद लिए हुए, बस ऐसा स्थूल रूप से दो विभाजन कर दिया, एक मंद और एक तीव्र, बस दो ही है, दो। आजकल तो वो मेरे ख्याल से खत्म हो गया परसेंटेज वाला, ग्रेड वाला हो गया ना, ये कौन सा कहाँ क्या होता है बताओ, ये
है। अब काय का ए प्लस और काय का बी प्लस दो ही में हो गया, ए और बी बस खत्म। सी की कौन सुनना है आजकल, सी माने कैंसिल, सी माने क्या कैंसिल, और बी माने भरोसा किया जा सकता है, है ना, और ए माने क्या आदरणीय, बस आ जाओ तुम आ जाओ हमारे यहाँ पर, कि बी वाला भरोसा किया जा सकता है, अभी नहीं ठहरो, सी वाला इज कैंसिल, कोई बात नहीं चलेगी उसके। स्वाद किसके लिए, दशाओं में, दशा किसकी, जीव की अवस्था में क्या पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं के द्वारा, ठीक है, अपने विज्ञान घन रूप स्वाद को भेदता है, उसका तो अनुभव अनादि काल से किया नहीं, बराबर है। तो किसका अनुभव कर रहा है कि अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है, किसका स्वाद करता है, शुभ और अशुभ भाव का उसका करता है। नास्ति और अस्ति से पहले नास्ति का प्रयोग किया, क्या नास्ति ली बताओ, इसके अंदर देखो, इसमें देखो, अपने विज्ञान घन रूप स्वाद को भेदता हुआ, इसका अर्थ अपना अचलित विज्ञान घन रूप जो एक स्वाद है उसका तो अनुभव करता नहीं, तो फिर क्या करता है कि जो अवस्था में तीव्र मंद माने अशुभ और शुभ जो दशाएं हैं उन दशाओं को उनका स्वाद लेता हुआ माने उनका करता है, अपने विज्ञान घन स्वभाव का तो स्वाद लेता नहीं और इसका करता है तो उसी का भोगता है, स्वाद लेता हुआ करता है। फिर से पढ़ो अच्छा समझ में आ जाए बात, ये जरूरी है। सेंटेंस तो है लंबा, इसके अंदर भी एक ही फुल स्टॉप आया है लास्ट में ही जा करके, 8 लाइनों के बाद एक फुल स्टॉप है, बल्कि और 10 लाइनें होंगी इसमें, फुल स्टॉप एक है दिया ना। किसके स्वाद को भेदता हुआ, अपने विज्ञान घन रूप एक स्वाद को तो लेता नहीं, बराबर है। फिर किसके स्वाद को लेता है कि वो कर्म का उदय के विपाक रूप माने कर्म का पूर्व वाला, हाँ उसके उदय के निमित्त रूप जो आत्मा की अवस्था में रागादि भाव हैं उनमें दो अवस्थाओं का विभाजन कर दिया, एक तीव्र और एक मंद, एक तीव्र माने अशुभ और दूसरी शुभ, उसका नहीं कर रहा इसका कर रहा, उसका नहीं कर रहा इसका कर रहा है, किसका नहीं कर रहा विज्ञान और किसका कर रहा है इसका, तो इसका स्वाद लेता हुआ शुभाशुभ भाव का करता है। देखो यहां लिखा है शुभ या अशुभ भाव को करता है कौन, अज्ञानी वो ये कर रहा है कि तुम कहाँ थे, मैं तो साहब शुभाशुभ भाव का स्वाद ले रहा था, मैं तो कर रहा था भाई साहब, कि तुम आगरा में नहीं थे, कि नो, कि आगरा माने क्या, अब बताओ इसमें से, अब मैं ये नहीं पूछूंगा बांसवाड़ा माने क्या, ख्याल हैं, क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे थे उस समय पर, हम तो साहब अपने स्वभाव स्वभाव जो भी कर्म उदय की एक एक समय पर जैसी जैसी अवस्थाएं हो रही, हमारा तो भेद ज्ञान का तो हमको क्या है अभाव है, तो हम उसका स्वाद लेकर के उसका कर्ता हो रहे थे। आ गया पॉइंट समझ में आया, एक तो यहाँ पर अब ये कोमा लगा, देखो यहाँ पर इतनी चार पंक्ति में, पौनी चार पंक्ति में तो कोमा लगा है, आप कोई आप कहेंगे कोमा भी पढ़ने की कोई चीज़ है,
कि भाई साहब अगर इसका महत्व तो नहीं होता तो यहाँ लगा क्या होता। आप तो सब न्याय व्याकरण वगैरह सब पढ़ते हैं कि नहीं क्या, और इंग्लिश में क्या कहते हैं सेमी कॉलन क्या क्या कहते हैं, कोमा सेमी कॉलन होल स्टॉप मार्क ऑफ इंटरोगेशन ये सब होते हैं गणित में। हाँ ऐसा इन सब का महत्व है। एक एक पॉइंट हुआ, अभी एक पॉइंट हुआ कोमा लग करके, ठीक है। अब दूसरा, वह आत्मा बराबर है, देखो दूसरी पंक्ति में आत्मा के साथ क्या जोड़ा था, देखो इसमें यह आत्मा, अब यहां पर क्या जोड़ा, वह आत्मा ओई वाला, पहले यह आत्मा लगा करके जो कहा था ओई वाला आत्मा, कोई दूसरा आत्मा नहीं आ गया। अब वह आत्मा उस समय, देखो समय शब्द का प्रयोग किया, एक एक समय पर जे जे काले जे जे अपने अशुद्ध उपादान योग्यता से ये आत्मा अपने अज्ञान भाव के कारण माने अपना अचलित विज्ञान घन रूप जो एक स्वाद है उसको न भेदता हुआ उसको भेदता हुआ कर्म के उदय रूप अपस्था में जो शुभाशुभ भाव हैं उन भावों में वो एक एक समय पर उस समय माने एक एक समय पर अर्थात अज्ञानी जब तक अज्ञानी है तब तक प्रत्येक समय पर नॉन फुल स्टॉप नॉन स्टॉप अनादि काल से नॉन स्टॉप, देखो बढ़ो इसको है ग्रंथ है मूल ग्रंथ है। समय शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराज ने, कौन से समय, उस समय माने प्रत्येक समय कब से लिया और आज तक माने जब तक ये आत्मा अपने विज्ञान घन रूप एक स्वाद का आनंद नहीं लेता तब तक यह नॉन स्टॉप किसका वेदन कर रहा है, शुभाशुभ भाव का वेदन कर रहा है। और उस समय उस शुभाशुभ भाव में तन में है ये, थोड़ा ध्यान दिलाता हूं आपका 69 और 70 नंबर की गाथा में जो स्टार्टिंग गाथाएं हैं उसमें किसके साथ तादात्म सिद्ध संबंध लिया और किसके साथ संयोग सिद्ध संबंध लिया, ज्ञान और आत्मा में, और संयोग सिद्ध संबंध किस में लिया, क्रोधादि और आत्मा। श्रीहांस कुमार जी समझ में आ रहा है आपको, समझो अभी बराबर है। ये तो पहले कहा कि ज्ञान और आत्मा में तादात्म सिद्ध संबंध है और क्रोधादि और आत्मा में संयोग सिद्ध संबंध है, लेकिन ये अज्ञानी आत्मा जिनमें संयोग सिद्ध संबंध है ऐसे क्रोधादि माने शुभाशुभ भाव अर्थात तीव्र मंद स्वाद वाले पुद्गल के स्वाद जिसमें है जिसमें चैतन्य का नूर नहीं है। अज्ञान शब्द का प्रयोग किया है पहले, शुभ अशुभ के पहले किस शब्द का प्रयोग किया है, अज्ञान भाव अज्ञान इस शब्द का प्रयोग किया है। देखो यहाँ पर ऐसा प्रयोग किया है इसमें, है नहीं आया समझ में, है इसमें पहले जमाने में जब देखो घबराने नहीं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें ऐसे मैं बोलता हूँ अपने को भी थोड़ा समझ में आवे क्या ये ये, ये शब्द आया ना जैसे अज्ञान रूप शुभ या अशुभ शब्द आया, अज्ञान रूप शुभ अज्ञान रूप अशुभ। अब हमने अज्ञान रूप शब्द पर भड़ गए आ गए, देखा ही नहीं गौर ही नहीं किया क्या बीच में आ गया है, क्या कहाँ गए हमारे प्रकाश जी नहीं आज, अच्छा देखो हमारे ऐसे चलन है कि जब कन्या का विवाह होकर के पहली बार जब वो जाती है माई के और उसमें वो पड़ जाता है रक्षाबंधन है, क्या पड़ जाता है रक्षाबंधन, तो कुछ वो क्या वो उसको ससुराल वाले क्या ये मायके की तरफ से मुझे अब याद नहीं आ रहा है इस समय पर
कि वो कुछ लहरिया सा उड़ाते हैं, कहो क्या नाम तुम्हारा, तेज कुमार जी, लहरिया उड़ाते हैं ऐसा। ये हमारे यहाँ की बता रहा हूँ मैं, आपके यहाँ की पता नहीं मेरे को, वो लहरिया उड़ाते हैं। अब बहनें ज़्यादा समझती होंगी क्योंकि ये फंक्शन तो इनका है, रक्षाबंधन वाला, वो लहरिया वो उड़ाते हैं, ख्याल में आया। तो उस जमाने पर बहन जी लहरिए में सोने के तारे और सितारे लगाए जाते थे, सोने के, चांदी के नहीं। क्या बोला लोग जी, बताओ आप, बात काय की चल रही है, लहरिया की। हाँ लहरिया, पहली बार गया, ख्याल में आती है, हैं? तो हमारी माँ ने देखा कैसा लहरिया लेकर के आई है, दिखा मेरे को। अब पहली बार, आज की तो बात ही कछु और है, अब तो कछु रहो ही नहीं, समझ में आ गया। पहले तो पिताजी ने जय जिनेन्द्र कर दी, बेटा चलो अंगूठी पहनाने जाना है, चले गए। हैं, हमसे हमारे बड़े भाई बोले एक बार ऐसे कान में, एक बार देख लो। अब आप सोचो, आप विश्वास नहीं करोगे कि आगरा के आगरा कॉलेज से किया है हमने ग्रेजुएशन, वो भी पीसीएम में, पीसीएम समझ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आगरा कॉलेज, आगरा का प्रसिद्ध कॉलेज, इन द ईयर ऑफ 1967 उसमें हमने किया। अब आप समझते हैं हमारे घर के कैसे संस्कार थे। हमारे भाई ने बहुत चतुराई से एज ए फॉर्मल एक बार देख ले लड़की को, समझ में आया। अब हमारी नज़र किधर है, लड़की के ऊपर। उस समय पर ताकत नहीं थी कि जो भाई के आगे कुछ भी बोल सके, ऐसा नहीं था। हमारे घर के संस्कार की बात थोड़ा करता हूँ, अब हो गई, लड़की देखी कि नहीं देखी, अब पूछा। हमारी माँ ने पूछा, तूने लड़की देखी कि नहीं देखी? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखी। ओ भाई आ गया आगे मेरे, बड़ा वाले झूठ बोलता है, लड़की देखी तूने, तेरे को कही थी लड़की देख, अब तूने नहीं देखी तो मैं क्या करूँ ये तो तेरा काम था, देख लड़की देख। तो वो लहरिया आया, तो अब उसे क्या पता, लेकिन हमारी माँ ने कहा दिखा लहरिया कैसा है, तो उसमें क्या लगा हुए थे, हैं? हाँ, तो हमारी माँ ने कहा बहू लहरिए को बेटी संभाल के रखियो, कि इसलिए कि इसमें सोने के तारे सितारे लगे हुए। पॉइंट समझ में आ गया। ऐसे यहाँ लहरिया में सुबह सुबह आगे कि क्या लगा हुआ है, अज्ञान रूप हैं, ऐसा है ये। कैसे हैं सुबह शुभ भाव, अज्ञान रूप है ये सुबह शुभ भाव, माने इसमें ज्ञान चेतना नहीं है, और उसका ये क्या कर रहा है, अनुभव। और किसका अनुभव नहीं कर रहा है, विज्ञान घन रूप एक स्वाद जो आत्मा का चलित है, उसका अनुभव तो कर नहीं रहा है। चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा उसका स्वाद तो ले नहीं रहा, और स्वाद किसका ले रहा है, शुभ अशुभ भाव का, उनका करता है। तो आगे यहां पर कहते हैं, उस समय तन्मयता से हैं? उस भाव का व्यापक होने से, उस भाव का व्यापक होने से उसका कर्ता होता है कौन, वह आत्मा। उस समय पर किसमें व्यापक है, किसमें व्यापक है, शुभाशुभ भाव में कौन व्यापक है, आत्मा बराबर है, किसमें व्यापक है, और बीच का एक शब्द तन्मयता से, देखो कितने शब्द हुए, आत्मा व्यापक है, किसमें व्यापक है, शुभाशुभ भाव में। तो शुभाशुभ भाव में ये जो आत्मा व्यापक है, उस समय पर, प्रत्येक समय पर, यहां पर आचार्य टीकाकार कह रहे हैं,
तन्मयता के साथ व्यापक है। ये मैं और ये मेरे कर्म, इनका मैं करता और ये मेरे कर्म। समझना हो समझ लो इस बात को। ये देखो सबसे पहले कलश आया है कर्ता, एक चित्रूप आत्मा मैं करता और ये क्रोधादि भाव मेरे कर। ये देखो वो कलश बेस है इसका। आलोक जी बराबर बैठा क्या बैठा, देखो इसके अंदर क्या आया। लूंडा वाले भाई साहब समझ में आते हैं, आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। ये काय में तन में है, शुभाशुभ भाव में तन में है। कैसे हैं वे शुभाशुभ भाव? अज्ञान रूप हैं, उनमें चैतन्य की किरण भी नहीं है और उसमें व्यापक कौन है? आत्मा। और वे शुभाशुभ भाव उस आत्मा के व्याप्य हैं। किस रीति से? तन्मयता से। एक चेतन स्वरूप भगवान आत्मा मैं करता और ये क्रोधादि भाव मेरे कर। एक कह रहे हैं ये मां बैठा हुआ है आत्मा तन्मयता के साथ में। कैलाश जी भाई साहब कहाँ बैठा है अज्ञानी आत्मा? अपने अज्ञान के कारण ये भेद किया है। ये तत्व की बात रतलाम वाले भाई साहब ये यहीं मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगी आपको। ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय करना पड़ेगा और कराना पड़ेगा। एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, एक एक पंक्ति की गंभीरता को ध्यान में रखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता है। आ गया समझ में? आया आपको? ये दूसरा बिंदु आया। अभी कॉमा लगा कि नहीं लगा? कैसे नहीं लगा? सेमी कॉलन लगा? लगा लगा लगेगा इसको। फिर से मिला के नहीं मिला तुमको सेमी कॉलन? मिला। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? अर्ध विराम। एक पूर्ण विराम आएगा, अभी आधा ही हुआ वाक्य, आधा हुआ, अर्ध विराम आया। दो बिंदु हुए, दो, एक कोमा और एक सेमी कॉलन, ये दो अर्ध विराम हुआ इसके। पहले में और दूसरे में। दूसरे में क्या लिया? कि वह आत्मा, देखो इसके अंदर पहले में था ये आत्मा, अब दूसरे में क्या है? यही वाला वह आत्मा बराबर है। उस समय एक एक समय पर जब तक अज्ञान है, भगवान आत्मा का अनुभवशीली नहीं, तब तक प्रत्येक समय पर क्या हो रहा है? तन्मयता से उस भाव का व्यापक होने से उस भाव का, वह आत्मा भाव का, उसका कर्ता होता है। अब ये अर्ध विराम लगा बराबर है। आया समझ में? आ गया आपके? चलिए हमारे पास केवल 5 मिनट बाकी हैं। कौन समराइज्ड कर सकते हैं आप में से? बता, कोई घबराओ नहीं, चिंता मत करो। हाँ आप वेरी गुड, बहुत गुड। बहने कोई नहीं, अटक अटक करके बोल सकते हैं? कोई मत घबराओ मत, अटक अटक करके। अरे ये बहन जी बोलेंगे, बेटा जरा देना इनको माइक दो। हाँ लेकिन बोल जल्दी देना, कहीं भी अटक जाओ चाहे, लेकिन बोल जल्दी देना। कोई बात नहीं, जल्दी फिर जी हमारे हैं भावी विद्वान हैं ये इनमें से बोलेंगे कोई। चलिए बोलिए। अनादिकाल से, अरे आवाज जोर से बोलिए, अनादिकाल से विज्ञान आत्मा अपने स्वाद ना लेता हुआ शुभ और अशुभ भावों में अटक कर तन्मयता से उसमें रम रहा है। हाँ हो गया, हो गया, ले लो बेटा, ठीक है। आइए बात आ गई,
ऐसा बात क्या है, हम लोग तो क्या है अभ्यस्त होते हैं ना बोलने के, और तो बोल लेते हैं। अब आप लोग तो अभ्यस्त नहीं ना, लेकिन भाव आ गया उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके पास माइक है तो इसे ही बोलने दो पहले। शाबाश करो। जो अपना अचल विज्ञान घन एक रूप आत्मा है, उसका स्वाद न लेता हुआ यह आत्मा अज्ञानी अज्ञान रूप शुभ अशुभ कर्मों का करता है, और उसके बाद वही आत्मा उस समय जो उसमें आत्मा व्यापक होकर जो शुभ अशुभ कर्म है उसमें ही करता लगता है, तन्मयता से उसमें करता होता है। हाँ ठीक है, अच्छा। हाँ बोलो जल्दी, एक एक मिनट लग रहा है तो चार पांच विद्यार्थी बोल सकते हैं। हाँ, यह आत्मा अपना अचलित एक विज्ञान घन स्वाद है, उसको ना लेता हुआ अनादिकालीन अज्ञान के कारण स्व पर का जो एकत्व का अध्यास है उसके कारण पुद्गल कर्म के उदय से जो शुभ अशुभ भाव होते हैं उनमें तन्मयता से एकत्व का अध्यास करता है, इस कारण उस समय तन्मयता से व्यापक होने से उन भावों का वह करता है और वे भाव उसके व्याप्य होने से उसके कर्म है। ऐसा अज्ञानी क्रमिक है। अच्छा बोला, मैंने नहीं कहा, आज आपने ही तालियां बजाई हैं इसके लिए। हाँ, और कौन बोल सकते हैं? वेरी गुड, इसे देना। हाँ चलो तुम बोलो, अभी आपका इस रूम आ जाए, नज़दीक पड़ गया ये। बहुत अच्छा। अपना आचलित विज्ञान घन स्वरूप स्वाद को आत्मा अनादिकाल के अज्ञान के कारण पर के और अपने और पर के एकत्व के अध्यास से अपने स्वरूप को ना लेता हुआ, इसमें अस्ति और नास्ति दो प्रकार से बताया था कि अपना जो आचलित विज्ञान घन स्वरूप उसको नहीं लेता हुआ, और जो पुद्गल कर्म जिसमें निमित्त हैं ऐसे जो मंद और तीव्र अर्थात जो शुभ अशुभ भाव हैं उनको लेता हुआ, अपने को ना लेता हुआ और उनको लेता हुआ, यह उस समय अर्थात अनादिकाल से जब तक यह उस अपने स्वाद को नहीं लेगा तब तक तन्मयता से व्यापक होने से यह करता है, और वह भाव उसमें तन्मयता से व्याप्त होने से वह उसके कर्म है। कर्म बराबर। अच्छा, वेरी गुड। अपना अचलित विज्ञान घन एक स्वाद रूप आत्मा होने से स्वय पर के एकत्व के अध्यास के कारण पुद्गल की जो विपाक रूप जो अवस्थाएं हैं उनका तीव्र मंद रूप स्वाद लेने से